महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक राज्य के स्कूलों में पहली से आठवीं क्लास तक के विद्यार्थियों को परीक्षा लिए बिना ही अगली क्लास में प्रवेश दे दिया जाएगा। घोषणा का विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले महीने से लगातार नो स्कूल नो फीस का आंदोलन प्रदेश में चल रहा है, परंतु न स्कूल और न सरकार पालकों की जायज मांगों पर उन्हें राहत देने के लिए कोई कदम उठा रही है। नो स्कूल नो फीस की मुहिम पिछले एक वर्ष से लगातार हम लोग चला रहे हैं और पालकों का निरंतर जो सपोर्ट विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन को मिल रहा है उसके कारण ये मुहिम चल रही है। कुछ बातें रखने से पहले मैं कल जो बंबई में घटना हुई है हमारे विद्यार्थियों के साथ जो शर्मनाक घटना प्रशासन ने किया है उसका निषेध करता हूँ। विद्यार्थी मुंबई में अपने एग्जाम्स को ऑनलाइन होना चाहिए इसके लिए वहाँ गए थे, उनके साथ जो प्रशासन ने मारपीट की जो हरकतें की वो बहुत अमानवीय घटना है और महाराष्ट्र के पूरे पालक विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के सभी सदस्य और मैं खुद एक पालक होने के नाते उसका निंदा करता हूँ और प्रशासन और सरकार को निवेदन करता हूँ कि समय रहते वे होश में आए और महाराष्ट्र में हो रहे विद्यार्थियों के साथ और पालकों के साथ अन्याय को रोकने के लिए खंबीर भूमिका अपनाए। उसके अलावा मैं आज जो महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का वो निर्णय का भी स्वागत करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सरकार को ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है और विद्यार्थियों के साथ न्याय करना चाहिए।